गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन लेटर फॉर जॉब। क्वेश्चन है, यू आर प्रेम या फिर पारुल? आप प्रेम हैं या पारुल हैं? ये एड्रेस है आपका, 16 TT नगर, भोपाल। यू वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजर। आप पसंद करेंगे अप्लाई करना मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट के लिए? इन ए रेपुटेशन फर्म, एक रेपुटेशन फर्म में जिसकी अपनी रेपुटेशन है इन मुंबई, मुंबई के अंदर। राइट ए लेटर, एक लेटर लिखिएगा टू द पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर को एक लेटर लिखिए चैतन्य एंटरप्राइज मुंबई के, और अप्लाई कीजिएगा उस लेटर में फॉर द जॉब, जॉब के लिए। राइट द लेटर, लेटर को लिखिएगा इन 125 से 150 वर्ड्स, 125 से 150 शब्दों में लिखना है। गिविंग योर बायोडाटा, अपना बायोडाटा देना है साथ में लेटर लिखने के बाद। तो फॉर्मेटिंग वही जो पिछले लेटर्स आपने पढ़े हैं, सेम फॉर्मेटिंग फॉलो की जाएगी। क्या हमने उसमें फॉर्मेटिंग सीखी थी? सबसे पहले एड्रेस डाल दीजिएगा सेंडर का। आप लेटर लिख रहे हैं तो अपना एड्रेस डाल दीजिए, 16 TT नगर, भोपाल। फिर एक लाइन की जगह खाली छोड़ना, थोड़ा गैप देना यहाँ पर, और डेट डालिए जो भी डेट डालनी है, जिस डेट को आप लिख रहे हैं। यहाँ लिख दिया हमने 26 जनवरी 2021-22, जो भी ईयर चल रहा है जब आप लिख रहे हैं। फिर लाइन का गैप छोड़िएगा डेट डेट के बाद में भी थोड़ा। अब आगे रिसीवर का एड्रेस, जो रिसीव करेगा इस लेटर को, यानी जिसके पास आप भेज रहे हैं लेटर, उसका एड्रेस डाल दीजिएगा। द पब्लिक रिलेशन ऑफिसर चैतन्य एंटरप्राइज मुंबई। अब लेटर लिखने से पहले सब्जेक्ट डाल लीजिए, आप किस बारे में लिख रहे हैं। सब्जेक्ट में लिख दिया एप्लीकेशन लिख रहे हैं फॉर द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजर। मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट के लिए एप्लीकेशन लिखी जा रही है। डियर सर, विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट, आपके एडवर्टीजमेंट के रेफरेंस में फॉर द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट के लिए, आई वुड लाइक, मैं पसंद करूँगा, मैं चाहूँगा टू अप्लाई करना फॉर द सेम, इसके लिए। इफ सेलेक्टेड, अगर चुनाव कर लिया गया, आई अश्योर यू, मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ, आई शैल प्रूव एन एसेट्स, मैं एक संपत्ति सिद्ध होऊंगा, यानी कंपनी के फायदे के लिए काम करूंगा। एसेट का मतलब कंपनी की वो एसेट होती है जिनसे कंपनी को प्रॉफिट होता है। टू योर कंपनी, आपकी कंपनी के प्रति, माई रिज्यूम इज एनक्लोज्ड, मेरा रिज्यूम, रिज्यूम बायोडाटा को कहते हैं, मेरा बायोडाटा क्या है, एनक्लोज्ड है, इसी के साथ में नथी किया गया है। अब यहाँ पर आपने एंड कर दिया योर सिंसरली, और उसमें फिर अपने सिग्नेचर कर दिए। लिखने वाला कौन था इसको लेटर को? प्रेम। अब आपने ऊपर बताया कि रिज्यूम इसी के साथ में एनक्लोज किया गया है, तो अब रिज्यूम बना देना है हमें। रिज्यूम में अपनी डिटेल देनी होती है हमको, एजुकेशनल डिटेल और पर्सनल डिटेल, नेम, फादर नेम। तो पहले नेम लिख दिया, नेम प्रेम रघुवंशी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख रहे हैं हम। फादर्स नेम है श्री विनीत रघुवंशी। DOB, डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, जो भी DOB है। फिर एड्रेस डाल दीजिएगा, 16 TT नगर, भोपाल। फ़ोन नंबर डाल दिया नीचे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी लिखिएगा, जो भी शैक्षणिक योग्यताएं हैं। पास्ट क्लास 10th, कक्षा 10 पास की, फ्रॉम CBSE से, विद 76% 76% अंक प्राप्त करके। और फिर सेकंड में नेक्स्ट लिख दिया, पास्ट क्लास 12th, कक्षा 12 पास की है, फ्रॉम CBSE से, विद 86% 86% के साथ। और नेक्स्ट है BCom पास की, फ्रॉम भोपाल कॉलेज ऑफ कॉमर्स से, विद 88% मार्क्स के साथ में। और आगे है क्वालिफिकेशन हमारी, MBA पास की है फ्रॉम टाइम इंस्टीट्यूट, ये संस्था का नाम हो गया, विद 78% के साथ।
आपका अगर इस जॉब के लिए कोई एक्सपीरियंस है तो आपको एक्सपीरियंस लिखना है। वर्क एज मार्केटिंग मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर के रूप में काम किया है एट विस्टास एंटरप्राइज, विस्टास एंटरप्राइज में इस संस्था में काम किया है मार्केटिंग मैनेजर के रूप में फॉर 4 ईयर्स, 4 सालों के लिए। और जो हमारी वर्किंग थी, काम करने का पद था एज मार्केटिंग हेड, मार्केटिंग हेड के रूप में था सिन्या एंटरप्राइज फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। और यहाँ पर काम किया है, ये दूसरी संस्था हो गई, पहले कहाँ पर काम किया था एज ए मार्केटिंग मैनेजर, विस्टास एंटरप्राइज में 4 साल के लिए, और दूसरी जगह फिर काम किया है पिछले 3 साल कहाँ पर, मार्केटिंग हेड के रूप में सिनाया एंटरप्राइज में। ये रेफरेंस आपको कहाँ से मिला है, किसके रेफरेंस से आ रहे हैं, आप कंपनी में रेफरेंस ही अगर कोई अवेलेबल है तो वो भी लिख दिया जाता है। मिस्टर रजत मेहरा के रेफरेंस से आ रहे हैं, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है विस्टास एंटरप्राइज के अंदर। प्लेस, रहने वाले आप कहाँ के हैं वो लिख दीजिएगा, दिल्ली के रहने वाले हैं, नेम दे दिया अपना साथ में प्रेम रघुवंशी, यहाँ पे आके आपका लेटर कंप्लीट हो जाता है।